Assalamu alaikum, welcome back to my channel Botany Rama with Bushra. Today I am going to explain the term cell, जिसे हिंदी में कोशिका बोलते हैं, और एक से ज़्यादा हैं तो कोशिकाएं. तो आज हम सेल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. जब हम बॉटनी पढ़ते हैं तो ये सेल वर्ड बहुत बार आता है. तो सेल क्या है, उसका क्या काम है, पहले उसके एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, छोटे छोटे एलिमेंट्स की ज़रूरत होते हैं, जैसे कि ईंट हुआ. तो एक के ऊपर एक जब हम ईंट रखते हैं तो ये सारी ईंटें मिलकर एक घर के निर्माण के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं. तो यानी कि उसकी एक यूनिट अगर हम समझें या एक इकाई उसकी समझें, तो हम ये बोल सकते हैं कि ईंट जो है वो किसी घर की एक यूनिट है. यानी कि एक ईंट के साथ जब कई सारे ईंट मिलते हैं तो एक दीवार का फॉर्मेशन होता है, और फिर एक दीवार के बाद चार दीवार बनती है, चार दीवार के बाद एक कमरा बनता है, और कमरे के बाद ऐसे ही निर्माण होते होते एक बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है. तो उसी तरह ये सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब किसी लिविंग बींग के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो सेल जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ अदा करता है. यानी कि बहुत सारी सेल जब मिलती हैं तो किसी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है. उसी तरह जैसे कि कोई भी बॉडी हो ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो या तो एक सेल का बना हुआ हो सकता है या एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ हो सकता है. तो जब वो एक सेल का बना हुआ होता है तो हम उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा यानी कि कई सारे सेल जब आपस में मिलकर किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो सेल ये द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द सेल. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो बेसिक यूनिट है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो बेसिक यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका कहते हैं. द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल मे बी मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल यूनिसेलुलर. यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, अगर वो सिंगल सेल की बनी हुई है तो उसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे, और मेनी सेल्स मल्टी सेलुलर. और अगर एक से कहीं ज़्यादा सेल उसमें मिलकर किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं तो उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं. इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ आर एक्सप्रेस बाय द सिंगल सेल. जाहिर सी बात है, जब कोई सेल किसी एक अगर सिंगल सेल का बना हुआ होगा तो वो सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होगी उसके लाइफ के एक्सप्रेशन को करने के लिए. यानी कि उसकी लाइफ की जो भी प्रोसेस होगी वो सिंगल सेल ही क्या होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगी. यानी कि जितने भी फीचर्स होंगे वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द फंक्शंस ऑफ लाइफ आर कैरीड आउट बाय वन और अदर ग्रुप ऑफ सेल. यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो फंक्शन ऑफ लाइफ होगा वो क्या होगा, एक से ज़्यादा सेल मिलकर परफॉर्म करेंगी. यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक से ज़्यादा सेल होंगी, तो एक से ज़्यादा अगर सेल होंगी तो एक से ज़्यादा उनके फंक्शन भी होंगे. तो जो भी उनके फंक्शन ऑफ लाइफ है वो एक से ज़्यादा सेल क्या करेंगी, इन्वॉल्व होंगी. इन फैक्ट द सेल आर द बाइंडिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है वो बाइंडिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि एक के साथ एक जुड़े हुए हैं किसी भी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए या किसी भी लाइफ के लिए. जो सारे सेल हैं वो बाइंडिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब एक दूसरे को आपस में बांध कर रखते हैं. तो जो सेल हैं वो अगर सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल की बनी हुई है, तो हम उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा सेल मिलकर किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रही हैं तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. ऑफ सेल यानी कि सेल की जो साइज़ है वो भी वेरी करती है. ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो सेल की साइज़ होती है वो भी वेरी करती है. तो द साइज़ ऑफ सेल वेरीज़ वाइडली बोथ विद इन एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म. यानी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करती है, कहीं छोटी होती है तो कहीं बड़ी होती है. तो अगर द स्मॉलेस्ट सेल्स आर फाउंड इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड PPLO, जो सबसे छोटी सेल देखी गई है वो PPLO के ऑर्गेनिज्म में देखी गई है. तो जो स्मॉलेस्ट सेल जो देखी गई है वो PPLO के ऑर्गेनिज्म में देखी गई है, और इसका फुल फॉर्म है
प्लूरो निमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका फुल फॉर्म कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है, और आपको जिस भी आप क्लासेस में जाएंगे आपको इस सेल के बारे में और ये जो टर्म्स हैं स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है ये बारे में पूछता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो डिटरमिन की गई है PPLO में, और इसका जो डायामीटर है वो 0.1 माइक्रॉन का नोट किया गया है। उसी तरह से इन कॉन्ट्रास्ट द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, और जो सबसे बड़ी सेल देखी गई है किसी ऑर्गेनिज्म में तो वो ऑस्ट्रिच की एग है, और इसका जो मेज़रमेंट है वो अबाउट 16 सेंटीमीटर अक्रॉस देखा गया है कि इसकी साइज़ होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो द नर्व सेल आर द लार्जेस्ट। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है, जिसकी साइज जो होती है वो मीटर तक भी होती है और मोर इन लेंथ अमंग प्लांट दोज प्रोड्यूसिंग फाइबर। और अगर बात प्लांट की करें तो उसमें वो प्लांट आते हैं जो फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं, जैसे जूट हुआ, कॉटन हुआ, रमी हुई, ये हैव लार्जेस्ट सेल, इनके अंदर जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल देखी गई है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर किसी ऑर्गेनिज्म में देखा गया है तो वो PPLO की सेल है, और सबसे लार्जेस्ट सेल अगर किसी ऑर्गेनिज्म में देखा गया है तो वो ऑस्ट्रिच है। उसके बाद अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो नर्व सेल सबसे लार्जेस्ट सेल है, जो कि मीटर तक भी उसकी लेंथ होती है, और प्लांट में अगर देखें कोई लार्जेस्ट सेल है तो वो है फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिसमें जूट, कॉटन और रमी आती है। उसके बाद बात करते हैं शेप ऑफ सेल। तो सेल की जो शेप है वो कैसी होती है, तो इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म द शेप ऑफ सेल डिपेंड ऑन देयर लोकेशन एंड नेचर ऑफ फंक्शन। तो अगर हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल की जो शेप है वो और उसके फंक्शन के हिसाब से उसकी जो होती है वो शेप होती है, वो डिपेंड करता है कि वो बॉडी में किस पार्ट में है, किस लोकेशन में है, और उसका फंक्शन क्या है, वो उस फंक्शन के और उस लोकेशन के हिसाब से उसका साइज डिटरमिन होता है। तो द शेप ऑफ सेल आर फ्लैट, कहाँ की शेप ऑफ सेल जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं, स्किन सेल्स जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं। उसके बाद है इलॉन्गेटेड सेल, मसल सेल्स जो होती हैं वो इलॉन्गेटेड होती हैं, इलॉन्गेटेड एंड ब्रांच, मतलब इलॉन्गेटेड भी हों उसके साथ ब्रांच भी उसके साथ निकली हुई हों, तो ऐसे सेल जो हैं वो नर्व सेल्स होती हैं। दूसरा है सेलुलर डिस्क, जो शेप है वो अगर सेलुलर डिस्क की शेप है तो वो कौन सी सेल होंगी, वो RBC की सेल होंगी। लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स जो हैं वो जाइलम और फ्लोएम का कैरेक्टरिस्टिक है, कि अगर कोई सेल लॉन्ग और ट्यूबुलर है तो वो जाइलम और फ्लोएम की सेल होगी, और अगर कोई सेल का शेप ओवल है तो क्लेमाइडोमोनास, और अगर कोई सेल इररेगुलर है मतलब उसका कोई शेप ही नहीं है, वो जैसा मन चाहे वैसे शेप में हो, वो शेप क्या होगा, ऐसा इररेगुलर शेप वाले सेल कौन से सेल में पाए जाते हैं, अमीबा केस में ऐसा देखा गया है कि उसकी सेल जो होती है वो इररेगुलर होती है, यानी कि वो डिफरेंट शेप में पाए जाती हैं, जिस तरह का चाहे उस तरह का उसका शेप होता है। तो आज का जो टॉपिक था वो सेल था, और सेल का शेप कैसा होता है और सेल की साइज़ कैसी होती है, इन तीनों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेल किस टाइप की होती है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं उसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। आज का अगर वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, कोई भी आपका क्यूरी इससे रिलेटेड हो तो मुझसे उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी अपडेट वीडियो आपके पास पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।